गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज योर कन्वर्सेशन टर्न। इन कन्वर्सेशन वी हैव कंप्लीटेड सेकेंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट सेकेंड चैप्टर इन योर फेयर कॉपी। अब सेकेंड चैप्टर को फेयर कॉपी पे करना है। सेकेंड चैप्टर में फेयर कॉपी में क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड चैप्टर में यू हैव टू कंप्लीट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन योर फेयर कॉपी। ये है सेकेंड पार्ट। इस सेकेंड पार्ट को आपको फेयर कॉपी पे करना है। यहाँ से ये आपको फेयर कॉपी पे कंप्लीट करना है। द सेकेंड चैप्टर इज माय फेवरेट। यू हैव टू कंप्लीट इट इन योर फेयर कॉपी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज योर होमवर्क टुडे? योर होमवर्क इज कंप्लीट सेकेंड चैप्टर इन योर फेयर कॉपी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक करना है फेयर कॉपी मैंने बता दिया। ओनली राइट इंग्लिश सेंटेंसेस। इंग्लिश सेंटेंसेस ही लिखेंगे, हिंदी सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं अब थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने। नाउ आवर थर्ड चैप्टर इज अ कन्वर्सेशन ऑन सीजन। सीजन मीन्स मौसम, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, मौसम पर बातचीत। ठीक है, मौसम पर बातचीत। ग्रैंड मा, हेयर इज योर पिकल। यह है तुम्हारा पिकल मीन्स अचार। यह है तुम्हारा अचार। डू नॉट आस्क फॉर मोर बिकॉज देयर इज वेरी लिटिल लेफ्ट नाउ। डू नॉट आस्क, मत मांगना फॉर मोर और, अब और मत मांगना बिकॉज, क्योंकि देयर इज वेरी लिटिल, अब बहुत थोड़ा ही है जो लेफ्ट नाउ जो बचा है। लेफ्ट नाउ जो बचा है। किरण, दिस इज यमी, दिस इज यमी, यह स्वादिष्ट है। व्हाट इज दिस मेड ऑफ? ग्रैंडमा, व्हाट इज दिस मेड ऑफ? ग्रैंडमा, यह किसका बना है? ये किस चीज का बना है? ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ, मैंगो, मैंगो मीन्स आम, आम का। किरण, ग्रैंड माँ डू यू मेक दिस पिकल राउंड द ईयर? ग्रैंड माँ डू यू मेक दिस, क्या आप इसको, इस अचार को पूरे साल बनाती हैं? राउंड द ईयर, पूरे साल बनाती हैं, क्या आप इस अचार को पूरे साल बनाती हैं? ग्रैंडमा, नो, इट इज मेड ओनली इन समर। इट इज मेड, इसको बनाते हैं ओनली इन समर, सिर्फ गर्मियों में, इसको सिर्फ गर्मियों में बनाया। बिकॉज दैट इज द टाइम, क्योंकि दैट इज द टाइम यू गेट मैंगोस इन द मार्केट। क्योंकि इसी समय यू गेट मैंगो, आम मिलता है इन मार्केट, मार्केट में, क्योंकि इसी समय मार्केट में आम मिलता है। डू यू नो व्हाट टाइम ऑफ ईयर इज द समर? क्या तुम जानती हो
गर्मी का, साल में गर्मी का कौन सा समय होता है? क्या तुम जानती हो साल में गर्मी का कौन सा समय होता है? किरण। इज इट द मंथ ऑफ ट्राइज टू रिमेम्बर। ट्राइज टू रिमेम्बर मतलब याद करने लगती है, याद करने का प्रयास करने लगती है। तो इज इट द मंथ ऑफ, और वो सोचने लगती है, ठीक है। ग्रैंड मा। इट स्टार्ट अराउंड द मिडल ऑफ मार्च। यह शुरू होता है मिडिल ऑफ मार्च, मार्च के बीच से शुरू होता है, एंड लास्ट टिल अराउंड मिडिल ऑफ मई। और मई के बीच में क्या होता है? लास्ट खत्म होता है। क्या चीज खत्म होता है? द सीजन ऑफ समर्स, गर्मी का मौसम मार्च के बीच से शुरू होता है और मई के बीच में खत्म होता है। आफ्टर दैट द रेनी सीजन स्टार्ट्स। उसके बाद, आफ्टर दैट, उसके बाद द रेनी सीजन स्टार्ट्स। रेनी सीजन शुरू होता है, वर्षा ऋतु शुरू होती है। किरण। आई लव द रेन। आई लव द रेन, मुझे पसंद है वर्षा, मुझे वर्षा पसंद है। देर इज वाटर एवरीवेयर, देर इज वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ पानी ही पानी होता है, इसीलिए मुझे क्या है, आई लव द रेन, इसीलिए मुझे वर्षा पसंद है। ग्रैंडमा। बट यू शुड हैव एनी फूड फ्रॉम द रोड साइड इन द रेनी सीजन, यू मे फॉल सिक। बट यू शुड हैव एनी फूड, लेकिन अगर तुम, इफ यू शुड हैव एनी फूड फ्रॉम द रोड साइड, रोड साइड से कोई भी फूड खाती हो, कोई भी चीज़ खाती हो, इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन में, वर्षा ऋतु में, सड़क के किनारे से कोई भी चीज़ खाती हो, यू मेल फॉल सिक, तुम बीमार पड़ जाओ, कि तुम बीमार हो सकती हो। अगर तुम रोड के किनारे से कोई भी चीज़ खाती हो तो तुम बीमार पड़ सकती हो। आज के लिए इतना ही बेटा। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर ऑल द चैप्टर, रेस्ट ऑफ द चैप्टर। सो व्हाट इज योर टुडे होमवर्क? कंप्लीट चैप्टर 2 इन योर फेयर कॉपी। ठीक है, थैंक यू सो मच।